शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे अभी अनुष्का विराट की हो गई, दीपिका रणवीर की हो गई, यहाँ तक कि प्रियंका और निक की भी हो गई, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। ओ हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछना आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? पर बॉस, मुझे का पता था कि मैं इस मॉडर्न चुपे में फंस। ये शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता। अगर वो करना है तो होटल बुक करा। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। तुम ना ज्यादा उछलो मत। आप शादीशुदा नहीं, आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक टीका लगाना है, माला ही तो पहनी है। मैं रेडी हूँ। अजी सुनती हो? अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? एक साल। छह महीने। पक्के शादी क्यों करी तुझे? मैं इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है पर। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहे? इधर देख, इधर। सब समझ गया मैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप सबको उल्लू बना रहे हो। एक्चुअली हमारे पास प्रोटेक्शन है क्या? है ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग वैरायटी के। मम्मी स्ट्रॉबेरी। दुनिया का पहला लेवल होगा जिसमें पूरा परिवार साथ में रहेगा। त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के शादी कर ली। अरे तो शादी करी है ना, बिना शादी के तो जिना रहे रहते। अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती। गुड्डू शादी कैसे करनी है? गुड्डू को ना पता कैसे करनी शादी? गुड्डू तो इतना उतावला हो गया ना कि अगर जहाँ कोई हवन और मंत्र पढ़ने वाला मिल जाए ना तो जही कर ले शादी। सर्व मंगल मांगल्ये नारायण नमो। वो ना मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया।